नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे घाटी में चल रहे एनकाउंटर्स के अपडेट के साथ, क्योंकि दो अलग अलग जगह घाटी में जिस तरह से एनकाउंटर चल रहे हैं, एक अगर साउथ कश्मीर के पुलवामा की बात करें या फिर हम सोपोर की बात करें, दोनों एनकाउंटर्स के हवाले से अभी तक जो अपडेट सामने आया है कि चार मिलिटेंट्स जो है इन दोनों एनकाउंटर्स में मारे गए हैं, दो सोपोर में मारे गए हैं, दो पुलवामा में मारे गए हैं। एसआई फारूक मीर की किलिंग के पीछे जो मुलव्वस था उस मिलिटेंट को पुलवामा एनकाउंटर में मारा गया है और तीन दिनों में जो मुठभेड़ हुई है कुल 11 मिलिटेंट्स जो हैं इन तीन दिनों में मारे गए हैं। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा बलों के ऑल आउट में जो है तेजी लाई गई है और उसी के चलते अभी जो सामने आ रही है अपडेट उससे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। और साथ ही अगर बात करें पुलिस की तरफ से ट्वीट कर जिस तरह से जानकारी दी गई थी कुछ देर पहले कि सोपोर एनकाउंटर में कुल दो मिलिटेंट्स मारे गए हैं, उससे पहले पुलिस की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई थी कि जैश मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाला मिलिटेंट माजिद नजीर जो कि एसआई फारूक मीर की का किलर है उसे भी पुलवामा एनकाउंटर में न्यूट्रलाइज किया गया था। पुलिस ने इस बात की भी तफ्तीश ट्वीट कर दी। और वहीं पर अगर बात करें दोनों एनकाउंटर्स के हवाले से फिलहाल क्या सूरत हाल है, क्या ताजा तफसीलात है हम आप तक पहुंचाएंगे। घाटी में दो अलग अलग जगह जो एनकाउंटर चल रहे थे उस हवाले से अभी तक अपडेट है कि दो मिलिटेंट्स पुलवामा एनकाउंटर में मारे गए हैं, दो सोपोर एनकाउंटर में मारे गए हैं। और वहीं पर जो पुलवामा एनकाउंटर में मारा गया है जैश मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाला मिलिटेंट माजिद नजीर बताया जा रहा है जो एसआई फारूक का किलर भी जो है पुलिस ने बताया है जो कि पुलवामा एनकाउंटर में न्यूट्रलाइज किया गया है। वहीं पर अभी ये तस्वीरें सीधा ग्राउंड से आप देख रहे हैं जो सोपोर और पुलवामा से सामने आ रही हैं। वहीं पर अभी तक क्या कुछ सूरत हाल, क्या ताजा तफसीलात एनकाउंटर के हवाले से है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ग्राउंड से ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि फिलहाल बताया जा रहा है कि जो सोपोर का एनकाउंटर है उस ऑपरेशन को कंक्लूड किया गया है। इस वक्त जो ताजा अपडेट सामने आ रहा है सोपोर एनकाउंटर के हवाले से, तो चलिए रुक करते हैं। हमारे साथ इरशाद हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं पुलवामा एनकाउंटर की अपडेट देने के लिए। इरशाद बताइएगा फिलहाल पुलवामा एनकाउंटर के हवाले से क्या कुछ ताजा तफसीलात है। तो अगर बात क्या इस एनकाउंटर के हवाले जो है 7 बजे फौज को एक मसले के जवाब मिली है कि पुलवामा के विजन एरिया में मिलिटेंटों की नकलो हरकत देखी गई, उसके बाद फोर्स ने बड़े पैमाने पे वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया जो कि फिर चलता रहा। मैं आपको बता दूं कि 3 बजे फौज और मिलिटेंटों के बीच में जो है एक गोलियों का तबादला हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इस एनकाउंटर में जो है दो मिलिटेंट मकामी मिलिटेंट जो है वो जांबाक हुए हैं और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो है आईजीपी ने जो है ट्वीट किया है जिसमें जो राजिद अहमद जो कि एक लोकल मिलिटेंट है वो जो एक पुलिस अफसर जो रियाज अहमद जो गुडरा का रहने वाला था पुलिस अफसर उसमें शामिल हुए। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है दो मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि इस इलाके में और भी मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पे बिल्कुल सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जैश मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाला माजिद नजीर बताया जा रहा है इस एनकाउंटर में मारा गया है जो कि लोकल ही है जिस तरह से आपने जिक्र किया है, तो कब से ये एक्टिव था इस हवाले से कुछ जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, मैंने पहले बता दिया कि जिस तरीके से आईजीपी ने ये ट्वीट कहा कि जैश मोहम्मद का दो मिलिटेंट जो है इसमें जांबाक हुए है, एक का नाम है आबिद अहमद और दूसरा जो मिलिटेंट है जो कि सरगर्म था इस इलाके में और उसका माजिद अहमद के बतौर उसकी जो शिनाख्त हुई है, ये जैश मोहम्मद के साथ जो है इनकी ताल्लुकात रहे, जैश मोहम्मद के वाबस्ते थे और ये बताया जा न कहीं जो है जिस तरीके से आईजीपी ने ये ट्वीट किया है कि जो रियाज अहमद जो कि पुलिस के अफसर था गुड़ेरा का रहने वाला था जो कि उसने जो है इस कैटल में जो है मुलवस पाया गया। मैं आपको बता दूं कि अगर बात की जाए इस इलाके की, ये इलाका बिल्कुल जो है रिहायशी इलाका है, जो मिलिटेंट पहले बैठे थे एक मकान में बैठे थे और वहीं पे जो है फौज ने इनको जो है जांबा कर दिया। मैं आपको बता दूं अगर इस वक्त की हम बात करें तो इस वक्त भी जो है बड़े पैमाने पे जो है लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल गोलियों का तबादला वहां पर थम चुका है, सर्च ऑपरेशन जारी है और लगभग सोर्सेज के हवाले से कुछ पता चल पाया है और कितने मिलिटेंट्स की मौजूदगी वहां पर हो सकती है? देखिए इनिशियल में जो है ये सोशल मीडिया पे वायरल खबर हुई कि जिस
दो या तीन मिलिटेंट हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जो है दो मिलिटेंट की मारे जाने की खबर वो सामने आ रही है और ये बताया जा रहा है कि अभी भी एक मिलिटेंट हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि रेल फोर्समेंट यहाँ पे बुलाया गया ताकि जो एक मिलिटेंट अंदर है वो कहीं ना कहीं बात में जाए। जी शुक्रिया इरशाद ज्वाइन करने के लिए पुलवामा एनकाउंटर के हवाले से ये ताजा तफसीलात पहुंचाने के लिए। तो चलिए अब एनकाउंटर की हमने बात की, पुलवामा एनकाउंटर की, वहीं पर सोपोर एनकाउंटर के हवाले से आपको ताजा तफसीलात दे देते हैं। हमारे साथ इरशाद लाइव ज्वाइन कर चुके हैं सोपोर एनकाउंटर की अपडेट देने के लिए। इरशाद बताइएगा, बताया जा रहा है ऑपरेशन कॉन्क्लूड हो चुका है और क्या कुछ इस हवाले से जानकारी है सोपोर एनकाउंटर की? अगर हम सोपोर के इलाके की बात करें, क्योंकि टुलबल का इलाका है जहाँ पे आज सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इतला मिली थी कि इस इलाके में कुछ मूवमेंट है, उसके बाद जो है सर्च अभियान चलाया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के चारक उसके दो मिलिटेंट्स को जो है हलाक किया गया। एक का नाम बताया जाता है यूनुस चौपान और दूसरे का नाम बताया जाता है जायद चौपान। ये एक शुपियन का रहने वाला है, दूसरा जो है पुलवामा का रहने वाला है। फिलहाल जो है ये ऑपरेशन जो है कंक्लूड अभी थोड़ी देर पहले हुआ। हालांकि इसमें जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया 52 राष्ट्रीय राइफल्स 92 बटालियन सीआरपीएफ एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस, हालांकि इन्होंने जो है मुश्तरक तौर पर जो है ये ऑपरेशन चलाया। फिलहाल जो है अगर देखा जाए इस वक्त जो है मामूली तौर पर जो है सर्च अभियान जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि ये रिहायश पजीर इलाका है। रिहायश पजीर इलाके के साथ साथ दरिया जलम भी साथ में है और यहाँ पे जो बस्ती भी है अगनी बस्ती भी है। और इस इलाके में जो है आज सुबह सवेरे लाइट आने के बाद ही जो है ये ऑपरेशन हुआ और जिसमें जो है दो मिलिटेंट हलाकत हो चुके हैं। ये बताया जाता है सूत्र के मुताबिक, क्योंकि इन्होंने जो पिछली दफा एसआई जो फारूक मीर जिसको पुलवामा में जो हलाक किया गया, हालांकि इनका हाथ उसमें भी है। फिलहाल जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए जो है बड़ी कामयाबी है। अगर से देखा जाए क्योंकि इससे पहले भी जो है बहुत सारे यहाँ पे ऑपरेशन हुए, चाहे हम ग्रेरी एनकाउंटर की बात करें या इसके साथ साथ कुपवाड़ा या इसके साथ साथ जो दिगर इलाकों में, क्योंकि लगातार जो है ऐसे ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं। क्योंकि फोर्स का यही मानना है या सिक्योरिटी फोर्सेज का यही मानना है, ये जो हाइब्रिड मिलिटेंट है जो यहाँ पे अटैक करते हैं, हालांकि उनको भी जो है फोर्स अपनी हिरासत में लेते हैं। फिलहाल अगर से देखा जाए इस ऑपरेशन के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो है मौसम भी नासाजगार है, क्योंकि बारिशें लगातार हो रही हैं आज सुबह से, और ये अभी थोड़ी देर पहले जो है ये इनकाउंटर जो है खत्म हो चुका है। फिलहाल आने वाले वक्त के बाद ही पूरा जो है खुलासा सामने आएगा फौज की जानिब से या जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से, क्या क्या रिकवरी जो है इस इनकाउंटर में जो है यहाँ पे इस इनकाउंटर में जो है हुई है। और इसके साथ साथ देखा जाए क्या ये गैर मुल्की मिलिटेंट इसके साथ होंगे जो इस इनकाउंटर से, यही तफसीलात आ रहे हैं कि वो एक दो मिलिटेंट जो है ये इनकाउंटर में जो है भाग होने में जो है कामयाब हुए। फिलहाल ये कहा जाता है इस इनकाउंटर में फिलहाल दो मिलिटेंट जो है जिनकी शिनाख्त हो चुके हैं ये मुकामी बताया जाता है उनको जो है हलाक किया गया। ये ऑपरेशन जो है अभी थोड़ी देर पहले जो क्लोज हुआ है और अब इस वक्त जो है लगातार सर्च ऑपरेशन मामूली तौर पर चल रहा है। शुक्रिया इरशाद ज्वाइन करने के लिए। तो इरशाद सोपोर एनकाउंटर के हवाले से अपडेट दे रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी बड़े पैमाने पर वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तो चलिए जहां पर हमने सोपोर और पुलवामा एनकाउंटर की अपडेट आप तक पहुंचाई, वहीं पर अब हम रुक करते हैं कठुआ का, क्योंकि कठुआ से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एचडीएफसी बैंक कठुआ में डकैती का मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है और बैंक के पूर्व मुलाजिम ने ही बैंक में डाका डाला था। एक बड़ा खुलासा जो है इस हवाले से हुआ है और अन्य आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस छापेमारी कर रही है। एसएसपी कठुआ आज शाम को पूरी वारदात का खुलासा करेंगे और एचडीएफसी बैंक कठुआ में जिस तरह से डकैती का मामला सामने आया था, हमने आपको कल भी खबर बताई थी, और इसका जो मुख्य आरोपी है आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। और सबसे बड़ी और अहम बात और हैरान करने वाली बात जो सामने आ रही है कि जो बैंक का पूर्व मुलाजिम
मुलाजिम है उसने ही बैंक में डाका डाला था। अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है और जो भी अन्य आरोपी इस वारदात में मुलव्वस है उनको जल्द से जल्द वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और एसएसपी कठुआ फिलहाल बताया जा रहा है कि आज शाम को पूरी वारदात का खुलासा कर देंगे। बहुत कम समय में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जो अगर बात करें बहुत कम समय में पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है। तो चलिए रुक करते हैं कठुआ का। सरबजीत सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। सरबजीत बताइएगा, बड़ा खुलासा हुआ है और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि बैंक का जो पूर्व मुलाजिम है वही इसमें मुलव्वस है, और क्या कुछ बातें सामने आई हैं? जी बिल्कुल प्रियंका, कठुआ पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। कठुआ पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही एचडीएफसी बैंक में हुई लूट की घटना का यहां पर वारदात का पूरा पर्दाफाश कर दिया है और इसमें अधिकतर जो राशि है वो पुलिस ने यहां पर रिकवर कर ली है। ये बताया जा रहा है कि 1,35,00,000 के करीब ऐसी राशि है जो यहां से लूट कर ये लुटेरे यहां से फरार हुए थे, उसको पुलिस ने देर रात इस घर से पानी की टंकी, जो अंडरग्राउंड पानी की टंकी है, वहां से बरामद किया है। बड़े ही सुनियोजित तरीके से इस पूरी लूट की कैश को वहां पर एक पानी की टंकी में लिफाफों में लपेट कर वहां पर रखा गया था और पुलिस ने वहां से जाकर रिकवर किया है। लेकिन इसमें से भी बड़ी बात की बैंक का पूर्व कर्मी ही इसमें पूरी घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और ये सूत्र हमें बता रहे हैं कि बैंक का एक पुराना कर्मी था जो पूरी इसने घटना को अंजाम दिया। बकायदा तौर पर इस पूरी वारदात की पहले उसने रैकी की है और रैकी के बाद इस घटना को वहां पहुंच के उसने अंजाम दिया है। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ और लोग भी इसके साथी हैं जिनकी धरपकड़ पुलिस कर रही है। बहरहाल जो इस पूरी वारदात का मुख्य आरोपी है उसको कठुआ पुलिस की टीम ने यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। अब क्या बताया जा रहा है, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है पुलिस की तरफ से जब इस पूरी वारदात का खुलासा होगा? जी बिल्कुल प्रियंका, शाम को 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है पुलिस की तरफ से और 5 बजे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कठुआ में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि बड़े खुलासे हो सकते हैं, किस प्रकार से पूरी रैकी को यहां पर अंजाम दिया गया है, कितने लोग इसमें शामिल थे और क्या किस कब से ये इस पूरी प्लानिंग को यहाँ पर बनाया जा रहा था और क्या लुटेरे जो हैं इस लूट की वारदात के बाद कहाँ भागना किसी राख में थे, ये पूरी जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी जो है आज शाम को एसएसपी कठुआ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वहां पर इस पूरी बात की जो है वो खुलासा यहाँ पर किया जाएगा। जी शुक्रिया सरबजीत ज्वाइन करने के लिए। तो सरबजीत सिंह जिस तरह से जानकारी दे रहे थे, एक बड़ा खुलासा हुआ है जो बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और शाम को पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे जम्मू से। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जो आम आवाम के लिए बहुत ही मुश्किलात वाली है। आपको बता दें कि जम्मू संभाग में कल से 48 घंटे पानी की सप्लाई बंद रहेगी और कल से 48 घंटों की हड़ताल पर पीएचई डिलीवरी जा रहे हैं। मांगे पूरी ना होने पर बढ़ाई जा सकती है हड़ताल की मियाद। तो देखिए, पहले भी जब पीएचई डिलीवेजर स्ट्राइक पर गए थे तो काफी परेशानियों का सामना आम लोगों को झेलना पड़ता है। हालांकि जो इनकी मांगे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से उसे लेकर बार बार ये गुहार लगा रहे हैं, जब इनकी नहीं सुनी जा रही है तो इसके बिना कोई भी रास्ता इन्हें सूझ नहीं रहा है। और जम्मू संभाग में जब कल से 48 घंटों की पानी की सप्लाई बंद रहेगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू के लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और एक दिन भी अगर पानी ना आए तो कितनी परेशानी हो जाती है, हर घर ये जानता है। और उसके बाद अब जब 48 घंटे पानी की सप्लाई बंद रहेगी तो जाहिर तौर पर परेशानियां तो होंगी, पर सवाल ये है कि पीएचई डिलीवरी बार बार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं और बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं, उसके बावजूद जो इनकी मांगे हैं वो नहीं सुनी जा रही है, इसे लेकर क्या कुछ कहना है? पीएचई डिलीवरी राजेंद्र सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से ज्वाइन कर चुके हैं। बताइएगा राजेंद्र जी, एक बार फिर आपने हड़ताल की कॉल दी है और वो भी 48 घंटे पानी की सप्लाई बंद रहेगी। इससे पहले भी हमने बहुत बार खबरें बताई है जब आपकी तरफ से अपनी मांगों को लेकर आपने आवाज उठाई है, आप सभी ने मिलकर स्ट्राइक की है, उसके बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा है, तो क्या इसके बिना कोई और रास्ता आपको सूझ नहीं रहा? प्रियंका जी शुक्रिया। देखिए, हम पिछले कई सालों से शोषण का शिकार हो रहे हैं। हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी पेंडिंग वेज जो
और छोटे छोटे मुद्दे हैं पीएचई डिपार्टमेंट के, वो हल नहीं किए जा रहे, चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट रही चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी 2 साल के करीब हो गए, लेकिन हमें हमेशा ही लारलप्पा दिया जाता है, हमें हमारे काम को लिंगरान किया जाता है। और हम पिछले 28 मई को जो हमने 24 घंटे की काम छोड़ हड़ताल दी थी, वो इसलिए दी थी कि जम्मू कश्मीर की जनता को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने वो स्ट्राइक बढ़ाई नहीं। जो हमारी कल 22 जून से 48 घंटे की स्ट्राइक रात 8 बजे शुरू होने वाली है, ये स्ट्राइक आगे लंबी भी खींच सकती है अगर प्रशासन इसको सीरियस नहीं लेता और हमारे मसले जो रेगुलेशन का मसला है इसको हल नहीं करता। हम पिछले कई सालों से दर बदर हो रहे हैं और हमारा शोषण किया जा रहा है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि कोविड हो या और कोई प्रॉब्लम हो, हम लोग 24 घंटे 48 घंटे एक ही स्टेशन पर काम करते हैं। हम भी इंसान हैं, हमें भी घर की ज़रूरतें पूरी करनी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया जाता और मजबूरी में हम सड़कों पे निकलते हैं या ये काम जो हड़ताल की तरफ जाते हैं। हम जम्मू प्रोविंस की जनता से माफ़ी चाहते हैं, दुआ जोड़ के कि हमें माफ़ कीजिए, क्योंकि हमने 24 घंटे का जो 28 मई को काम जो हड़ताल का टोकन स्ट्राइक दी थी, इसलिए दी थी कि सरकार सीरियस होगी कि लोगों को कोई परेशान ना हो। लेकिन हमें ये दिखता है कि सरकार टकराव की नीति चाहती है, तो ठीक है, हम भी टकराव की स्थिति में पूरे तैयार हैं। हम काम नहीं करेंगे, जब हम काम नहीं करेंगे तो 85% जो कैजुअल लेबर डेली वेजर जम्मू प्रोविंस में, वो अगर काम नहीं करेगा तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए। आज की डेट में अगर सभी लोग काम कर रहे हैं, काम करने के बावजूद हर जगह कहीं ना कहीं पानी की किल्लत है, तो जब 85% 85% लोग काम नहीं करेंगे तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जम्मू प्रोविंस में जितने टाउन हैं या बाकी अदर एरिया हैं उनकी क्या हालत होगी। इसके लिए सारी की सारी रिस्पांसिबिलिटी जम्मू शहर के मेयर और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इस बात को बार बार लिंगर ऑन कर रही है, क्योंकि पिछली बार जो हम स्ट्राइक पे जा रहे थे तो हमें मेयर जम्मू, जिसको फादर ऑफ सिटी भी कहते हैं, उन्होंने बुलाया हमें और उन्होंने कहा कि आप स्ट्राइक को लंबा मत कीजिए, आप स्ट्राइक को 24 घंटे में ही ख़त्म कर दीजिए, मैं आपकी हायर अथॉरिटी से बात करूँ। और हमारे सामने उन्होंने 5-6 कमीशन साहिबान को फ़ोन किया था और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो नितेश कुमार जी एलजी साहब, उनको भी बात की थी कि उन्होंने कहा था 2-3 दिन के बाद आपको समय दिया जाएगा, तो अपना हमारे मेयर साहब ने कहा अगर बोलो तो मैं इनको श्रीनगर ले आता हूँ अपने साथ, तो उन्होंने कहा नहीं रुकिए 2-3 दिन का टाइम दीजिए, तो 2-3 दिन के बाद कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस की तरफ जाएगा। लेकिन ना मेयर साहब की तरफ से बुलाया गया, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस, तो हमें मजबूरी में दोबारा उसी रास्ते पर जाना पड़ा जो पिछले कई सालों से चल रहे हैं। और इस बार की जो स्ट्राइक होगी उसके लिए जितनी की जितनी प्रॉब्लम जनता को होगी, उसके लिए सारी की सारी मैंने आपको गिना दिया, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू शहर के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी होंगे, क्योंकि वो लोग सीरियस नहीं ले रहे। और एक आर्डर निकाला है डेली वेजर जो है कैजुअल लेबर है, उसकी अटेंडेंस जो है वो लोकल कॉरपोरेटर म्यूनसिपल लिमिट में जो कॉरपोरेटर साहिबान हैं वो अथेंटिकेट करेंगे ये बंदा काम करता है या नहीं करता। तो हम आपके माध्यम से सभी कॉरपोरेटर साहिबान को ये कहना चाहते हैं कि कोविड के दौरान आपने हमारी ड्यूटी देखी है और मैक्सिमम जम्मू शहर के कॉरपोरेटर हों वो उन्होंने उनका हमें समर्थन है। चाहे पीछे कुछ कॉरपोरेट साथियों ने हमारे हक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इनको रेगुलाइज किया जाए और सारा का सारा जो मैक्सिमम काम जो पीएचई का पानी की सप्लाई का काम यही लोग देते हैं, तो हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। चाहे आप हमें अटेंडेंस की बोलो, कहीं से परेशान करने की कोशिश करो, हम परेशान नहीं होने वाले, हम काम करने वाले लोग हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हमारा मसला भी हल कीजिए, जो पिछले 15-20 साल से रुका हुआ उसको आप तो हल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर पे ऑर्डर निकाल रहे हो, तो हम किसी भी ऑर्डर से डरने वाले नहीं, ना डर के ये स्ट्राइक हम पीछे लेने वाले हैं। बिल्कुल, वहीं पर जिस तरह से आपने जनता से माफी भी मांगी है कि अगर आप सभी के स्ट्राइक की वजह से उन्हें परेशानी होगी, पर आप लोग भी मजबूर हैं, कोई और रास्ता आपको नहीं दिख रहा क्योंकि इतने सालों से आप गुहार लगा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है, पर उसके बाद किसी का मन नहीं करता अपनी ड्यूटी छोड़कर इस तरह से प्रदर्शन करे। और बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि अपने हक के लिए हमेशा इस तरह से स्ट्राइक करके, सड़कों पर नारेबाजी करके, प्रदर्शन करके ही अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है। पर वहीं पर ये बताइएगा, अब जबकि आपने स्ट्राइक की कॉल दी है, 48 घंटों की स्ट्राइक की कॉल दी है, अब पानी की सप्लाई बंद रहेगी, उसके बाद भी अब इस बार भी अगर नहीं सुनी गई तो अगला कदम आप सभी का क्या होगा?
देखिए अगला कदम हम 24 तारीख को ही बताएंगे मीडिया में और एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर सरकार हमें टेबल टॉक के लिए बुलाती है, हमारे मसले हल करती है, तो हम हर पॉजिटिव रिस्पांस देने के लिए तैयार। हमारी तरफ से कभी भी कोई एडमेंट नहीं होते, हम लोग एडमेंट नहीं होते। हमने पहले भी एलजी साहब को 11 नवंबर 2020 को ये कहा था कि आप रेगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। हम नहीं आपको कहते कि जो पीएचई जम्मू कश्मीर यूटी में 30,000 डेली भेज रहे हो, उसको वन डू में आप रेगुलाइज करो। आप लोग रेगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट कीजिए और कौन सा एसआरओ देना, सरकार अपनी स्थिति क्लियर करे, सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कि सरकार हमें कौन सा एसआरओ देना चाहती है। हम भी अपने लोगों से साथियों चर्चा करके उस चीज़ पे पहुंचे, लेकिन सरकार वो चीज़ क्लियर नहीं करती। कभी कहती है हमने आपके 75 पे बढ़ा दिए, कभी कहा जाता है देखिए हम आपके लिए ये करने वाले हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। तो हम मजबूर होकर हमेशा सड़कों पर आते, हमने भूख हड़ताल कर दी, प्रोटेस्ट डेमोस्ट्रेशन कर देख ली। अब ये जो रास्ता हमारा काम छोड़ हड़ताल का, इसके बाद इसको चेंज भी किया जा सकता है, वो सरकार पे डिपेंड है, सरकार हमसे क्या चाहती है। बिल्कुल, शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो पीएच डेली वेजर की जुबानी, उनका दर्द आपने सुना कि कितने मजबूर हैं वो हड़ताल, काम छोड़ हड़ताल के लिए, और इस हड़ताल में, इस टकराव में जो पिसेगी वो आम जनता ही है। तो उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इनकी मांगों को जल्द सुने। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे मेडिकल सीट्स के लिए। जो ऑल इंडिया कोटा की पॉलिसी है वो एक बार फिर विवादों के घेरे में है। पॉलिसी के विरोध में सड़कों पर जम्मू मेडिकल कॉलेज के छात्र उतरे हैं और सीटें बढ़ने तक ऑल इंडिया कोटा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मेडिकल सीट्स के लिए ऑल इंडिया कोटा की पॉलिसी एक बार फिर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है, जिसके चलते पॉलिसी के विरोध में सड़कों पर जम्मू मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं वो उतरे हैं। चलिए फटाफट से रुक करते हैं जम्मू का। रितिका राजपूत हमारी संवाददाता ग्राउंड से ज्वाइन कर चुकी है। रितिका बताइएगा, विरोध की बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा पॉलिसी को लेकर, काफी विवाद देखने को मिल रहा है, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस हवाले से नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कुछ इस हवाले से और जानकारी है? जी, आपको बताना चाहेंगे कि जीएमसी जम्मू में तमाम डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स जो है उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, प्रोटेस्ट है सरकार के खिलाफ और सरकार के द्वारा जो पॉलिसी लाई गई है उसके खिलाफ। सीधे साफ शब्दों में प्रोटेस्ट जो है वो सबके द्वारा किया जा रहा है। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं, तो हम इन्हीं से बातचीत करके जानना चाहेंगे क्या कुछ मुद्दा है जिसको लेके आप सब लोग आज प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो। मैम, आप सबको पता होगा कि सरकार ने यहाँ पे एक नई पॉलिसी लॉन्च कर प्रपोज की है, वो है ऑल इंडिया कोटा, जो कि आज से पहले जेएनके में नहीं था। इन लोगों ने प्रपोज किया है कि ऑल इंडिया कोटा जेएनके में लगेगा, उससे सिर्फ ना कि सिर्फ डॉक्टर्स का नुकसान है जो, जबकि आम जनता का भी बहुत ज्यादा नुकसान है, आम जनता बहुत ज्यादा सफर करेगी। इसलिए ये मुद्दा सिर्फ डॉक्टर्स का ना होके हमारी पूरी स्टेट का है, हमारे पूरे जेएनके का है, हमारी कॉमन जनता का है। तो इसमें जो सीट्स की बात की जा रही है उसको लेके क्या कहेंगे आप? मैम, आई वांट टू यू टू नो दैट कि हमारे पास पहले यहाँ पे 543 सीट्स थी, लेकिन जो कैंडिडेट्स अपियर होते थे एग्जाम के लिए वो नियर अबाउट 3000 होते थे। अगर ऑल इंडिया कोटा लगता है यहाँ पे तो हमारी जो जीएमसी जम्मू और जीएमसी श्रीनगर की 50% सीट ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी और स्कीम्स की 100% चली जाएंगी। कुल मिला के हमारे पास सिर्फ 80 सीट रह जाएंगी ओपन मेरिट में क्लिनिकल। जब 3000 लोग किसी एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हैं और सिर्फ 80 वैकेंसीज हैं, तो आप ही बताइए कि ये कहाँ से फेयर है। और सबसे बड़ी बात, इट्स नॉट अबाउट एनी जॉब और इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, इट्स अबाउट अवर बेसिक राइट टू एजुकेशन। हर एक डॉक्टर का सपना होता है कि वो स्पेशलाइज बने, वो गायनोकोलॉजिस्ट बने, डर्मेटोलॉजिस्ट बने, फिजिशियन बने, लेकिन ये एक बेसिक राइट ही हमें नहीं यहाँ पे मिल पा रहा है। तो जैसे कि आपने सुना यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा को लेके जो विरोध, जो प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, तमाम डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो कोई भी इनके फेवर में नहीं है, वो नहीं चाहते कि इस कोटा को यहाँ पे लाया जाए और सीट्स को बांटने का काम जो चल रहा है वो किया जाए। बिल्कुल, और आखिर में यही सवाल रितिका इन सभी से रहेगा कि अब ऑल इंडिया कोटा की पॉलिसी जो आई है उसे लेकर ये विरोध कर रहे हैं, अगर ये पॉलिसी एज इट इज रहेगी, इसे नहीं हटाया जाएगा, तो क्या इनका नेक्स्ट स्टेप रहेगा? जो पॉलिसी लाई जा रही है, जैसे कि आपने सवाल सुना, अगर इस पॉलिसी को नहीं हटाया जाता है तो फर्दर स्टेप क्या रहने वाला है? मैम, वी विल फाइट टिल द एंड, वी विल गो ऑन हंगर स्ट्राइक, लेकिन हम अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे। ये एक बेसिक अधिकार है हमारा, और पूरी जम्मू की जनता को मैं ये बात बताना चाहती हूँ, अगर यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा लगता है तो यहाँ पे यूटी है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं होगी, यहाँ पे 3 साल के लोग आएंगे पीजी करके बाहर चले जाएंगे, लेकिन हम लोग अगर बाहर जाते हैं, बाहर की सब स्टेट्स में बॉन्ड है मैक्सिमम 10 साल का,
जब वो लोग यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ पीजी करके यहाँ से चले जाएंगे, तो उसके उसके जरिए क्या होगा, 3 साल बाद हेल्थ केयर सिस्टम हमारा पूरा कोलैप्स हो जाएगा। जब डॉक्टर ही नहीं होंगे यहाँ पे तो आप लोग जाओगे किसके पास? तो जैसे कि आपने सुना, इनका सीधे साफ शब्दों में कहना है, अगर इस पॉलिसी को वापस नहीं लिया जाता है तो तमाम डॉक्टर्स हैं जो कि जुड़े हुए लोग हैं वो हम स्ट्राइक पे जाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, पर अपना हक लेके रहे। जी शुक्रिया ऋतिका ज्वाइन करने के लिए और इन्हीं की जुबानी बताने के लिए कि क्या कुछ किस चीजों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरह से इनका कहना है, ऑल इंडिया कोटा की पॉलिसी को अगर नहीं हटाया जाता है, अगर उसको लाया जाता है, तो ये सभी हंगर स्ट्राइक पर चले जाएंगे। तो अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।